श्री नैना देवी मंदिर की पहाड़ियों के बीच में बसा बहुत ही रमणीक सौंदर्य से भरपूर काला जोहर नामक एक धार्मिक स्थल है, जहां पर स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। काला जोहर में आज वार्षिक झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। सेवादार बाबा अमरनाथ के नेतृत्व में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने झंडा चढ़ाने की रस्म में भाग लिया और काला जोहर में स्नान करके अपना जीवन धन्य किया। कहा जाता है कि जिन दंपतियों के संतान नहीं होती उन्हें संतान प्राप्ति के लिए इस प्राचीन सरोवर में स्नान करना पड़ता है और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। श्री नैना देवी जी मंदिर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह धार्मिक स्थल विद्यमान है। पहाड़ियों के बीच में बसा बहुत ही रमणीक और शांतिप्रिय धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का रखरखाव बाबा अमरनाथ के द्वारा किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से आज वार्षिक झंडा रस्म अदा की गई। बैंड बाजों के साथ विशाल भंडारे के साथ यह विशाल समारोह संपन्न हुआ। हाँ जी नमस्कार जी, काला जोड़ पैंदा जी इत्थे नैना देवी दे पास में। नैना देवी इत्थे थोड़ी दूर पैंदी उरे, जिदा किसी दे बच्चा नहीं हुंदा वो दुनिया इत्थे नूं आंदी, घर पानी लैके जांदे, फिर घर पानी दे छिट्टे छुट्टे मारो, लड़ाई झगड़े भी दूर हो जांदे, बहुत शांति मिलती इस जगह पर आते। दुनिया बहुत दूर दूर से दुनिया आती, बहुत शांत माहौल यह है, बहुत जगह अच्छी है ये। इतने जिन्नी भी दुनिया आती सबनों सुख मिलता। झंडे हर साल चढ़ाए जाते? हाँ जी, झंडे हर साल चढ़ते जी, जेठा शनिवार 11वां महीना जी। बहुत खुशी मिलती इतने, बहुत दिन खुशियां का आंदा शनिवार का।